नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 360, मैं हूँ स्वाति रायना। साइरस मिस्त्री ने एक बार फिर रतन टाटा पर बड़ा आरोप लगाया है। मिस्त्री ने रतन टाटा को अहंकारी व्यक्ति बताते हुए कहा कि एक आदमी के अहंकार की वजह से पूरा टाटा ग्रुप दिक्कत में है। एक शख्स के फैसलों से हजारों नौकरियां प्रभावित होती हैं। मिस्त्री ने कोरस डील पर भी सवाल उठाए। मिस्त्री ने कहा अहंकार की वजह से ही कोरस को खरीदा गया, जबकि बोर्ड मेंबर्स कोरस डील के खिलाफ। कोरस खरीदने का असर ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर भी पड़ा। साथ ही मिस्त्री ने कहा कि टीसीएस पर निर्भरता रतन टाटा की वजह से है। मिस्त्री ने कहा कि जेएलआर मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। ये भी आरोप मिस्त्री ने लगाया कि एक बार रतन टाटा ने टीसीएस खरीदने के लिए आईबीएम के प्रस्ताव के साथ जेआरडी टाटा से मुलाकात भी की। तो तमाम बड़े आरोप मिस्त्री की तरफ से रतन टाटा की तरफ। उनके जितने भी फैसले लिए गए हैं उस पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अहंकार की वजह से टाटा ग्रुप में दिक्कतें आई हैं। मेरे सहयोगी तरुण से इस पूरी खबर पर और बातचीत करते हैं। तरुण, एक बार फिर से साइरस मिस्त्री ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अब तक जो भी रतन टाटा ने फैसले लिए हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट के तहत अहंकार की तरफ लिए हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और खासतौर पर कुछ डील्स की यहां पर बात की है। क्या कहा है इसमें? बिल्कुल, अभी तक जो बातें जो दबी जबान में कही जा रही थी या साइरस मिस्त्री ने सीधे तौर पर रतन टाटा को लेटर लिख के जता दी हैं। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि आप काफ़ी अहंकारी हैं, इस अहंकार का जो खामियाजा है वो पूरे ग्रुप को झेलना पड़ रहा है, चाहे वो कॉरेस की डील हो। उन्होंने कहा कि कॉरेस की जो डील हुई है उसका जो पैसा है उसकी आधी कीमत में वो पिछले साल में उपलब्ध थी और जो पैसा अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ उन्होंने टीसीएस पे जिस हिसाब का दबाव पूरे ग्रुप का बन रहा है, क्योंकि टीसीएस एक ऐसी टाटा की इन कंपनियों में ऐसी हैं जो प्रॉफिटेबल है और कैश रिच कंपनी है, तो इसका दबाव किस तरीके से बन रहा है इसका पूरा ब्यौरा उन्होंने अपने लेटर में दिया है। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि रतन टाटा इसको 8-9 साल पहले आईबीएम को बेचना चाहते थे, इसके लिए वो जेआरडी टाटा से मिले। जेएलआर की बारे में उन्होंने कहा कि जेएलआर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और लेकिन उसका श्रेय वो जो अभी का जो मैनेजमेंट है उनको देना चाहते हैं, और साथ ही जो एन चंद्रशेखरन जो टीसीएस के एमडी हैं उसको इसका श्रेय देना चाहते हैं। तो इस वजह से साफ तौर से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टीसीएस की चाहे परफॉर्मेंस हो चाहे टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस हो, उनके दौर में काफ़ी अच्छी रही है और जो क्लाइंटल बेस है वो भी इस दौरान काफ़ी बड़ा है। और लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ इससे पहले केवल रतन टाटा की वजह से हो रहा था तो वो गलत है। उन्होंने कहा कि 3.5 लाख लोग टीसीएस में इस समय काम कर रहे हैं, ये उनकी बदौलत यहाँ तक कंपनी पहुंची है। तो लिहाजा एक जो ईगो वाला जो बैटल सिर्फ अभी तक दबी जबान में बोला जा रहा था, लेकिन आज उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि एक ईगो बैटल यहाँ पे साइरस मिस्त्री वर्सेस टाटा चल रही है, जिसमें रतन टाटा की ईगो की वजह से कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट किया गया जिसका खामियाजा पूरे ग्रुप को झेलना पड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर तरुण, की ईगो बैटल की वजह से ही ये जो पूरा मामला है आगे बढ़ता जा रहा है और तूल पकड़ रहा है। बहुत शुक्रिया तरुण इस पूरी खबर पर बातचीत के और डिटेल्स देने के लिए आपका। वैसे टाटा सन्स ने टाटा पावर के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री को हटाने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। टाटा सन्स ने टाटा पावर से मिस्त्री को हटाने के लिए जल्द फैसला लेने को कहा है। इसके लिए टाटा सन्स ने टाटा पावर से जल्दी ईजीएम बुलाने को कहा है। ये भी बताएं, टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद मिस्त्री को एक एक करके टाटा ग्रुप की कंपनियों के चेयरमैन पद से हटाया जा रहा है। साथ ही आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका का कहना है कि टाटा ग्रुप में चल रहा विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है, टाटा ग्रुप को एथिक्स के लिए जाना जाता है, ऐसे में यह विवाद पूरी इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है। इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट व्हाट हैज हैपेंड विद इन द टाटा एम्पायर। द टाटा ग्रुप इज समथिंग दैट इज अ ग्रुप दैट वी लुक विद एस्पिरेशन, यू नो, देयर एलिगेंस, द ग्रेस दैट दे व्हिच दे कंडक्ट देमसेल्व्स, द एथिक्स For us, they are the ultimate. And when such things happen and you have charges, counter charges, it is not only not good for the Tata Group, but for India Incorporated in general.